फुली ऑटोमेटिक डोमेस्टिक आटा चक्की मशीन, जिसे आप ऑटोमेटिक फ्लोर मिल भी कह सकते हैं और घर घर की घंटी लोग आज इसे कहते हैं आजकल। और ये फुली ऑटोमेटिक है, यानी जब सप्लाई में लगाए भी हुए रहेंगे और जब तक अनाज नहीं डालेंगे तब तक ये चालू ही नहीं होगा। अब हम इसके अंदर दिखा देते हैं। ये कंटेनर है, SS कंटेनर बोलते हैं। ये कलेक्टर है, आटा मतलब गिरेगा इसमें। और ये आपका कपड़े का होता है, ये सब लोग जानते हैं इसको। और ये अंदर की होती है जहाँ जाली यूज होता है, ये जाली है। ऐसी 8 जालियाँ रहती है एक मशीन में। अब जिस तरह का मतलब आपको पिसाई चाहिए, बारीक चाहिए या मोटा चाहिए या पशुओं के लिए चाहिए, जो इसे यूज करते हैं लोग, दाना कहते हैं। अब हमने एक जाली सेलेक्ट करी और इसमें डाल दी। ये मीडियम है, हम मीडियम डाल लेते हैं इसमें। ये हो गया। अब हमने चैम्बर बंद कर दी। ये पूरी तरह से बंद कर देंगे इसको। ये हमारा मेन डोर है। ये लग गया। ये हमारा, अब प्लग इन कर देते हैं इसको। अब सुनिए, अनाज डाली, यानी सप्लाई दे दिए हैं तब भी मशीन नहीं चल रही है जब तक हम इसमें अनाज ना डालें। अब हमने इसको ओपन किया और इसमें कुछ गेहूं डाल दिया। बस अब देख लेते हैं, मशीन चालू हो गई। आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। ऑटो क्लीनिंग सिस्टम स्टार्ट हो गई है। चक्की साफ हो रही है। कृपया 2 मिनट इंतजार करें। अगर पिसाई के वक्त हम बीच में इस गेट को ओपन कर देते हैं तब भी पिसाई रुक जाती है। अब ये पिसाई पूरी हो गई है क्योंकि हमने अनाज बहुत कम डाला था। अब ये क्लीन कर लिया, ये खुद बोलेगा। आटा तैयार है। मेन स्विच बंद करें। धन्यवाद। अब यहाँ से हमने स्विच निकाल दिया, बंद कर दिया। ये ओपन कर लिया। इसमें हमारा आटा है। देखिए, हमने एकदम बारीक वाली जाली नहीं लगाई थी, तब भी आटे की क्वालिटी देखिए। इस तरह आप अपने घर की सारी वस्तुएं, गेहूं, मकई, चावल, जो भी हो, आसानी से इसे पीस सकते हैं। धन्यवाद।